गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 29 वाक्य शोधन पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, व्याकरण में हम बहुत बार शुद्ध स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, जिसके कारण हम अशुद्धियां कर देते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं, अतः वाक्य को बोलते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, जब वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करते हैं, उसे ही हम वाक्य शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शोधन कहलाता है। बच्चों, आइए हम वाक्य में किस प्रकार से भूल या अशुद्धियां करते हैं। पहला वाक्य देखेंगे, गार्गी विद्वान स्त्री थी। बच्चों, ये गलत वाक्य है। गार्गी विदुषी थी, ये शुद्ध वाक्य है। शेर चूचू कर रहा था। बच्चों, ये गलत वाक्य है। शेर दहाड़ रहा था, ये शुद्ध वाक्य है। वह दूध खा रहा है, ये गलत वाक्य है। बच्चों, वह दूध पी रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। मेरा नाम श्री राजकुमार है, अशुद्ध वाक्य है। मेरा नाम राजकुमार है, बच्चों, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, घी में कौन पड़ गया, ये बच्चों अशुद्ध वाक्य है। घी में क्या पड़ गया, ये शुद्ध वाक्य है। बच्चों, यह सब में श्रेष्ठ है, ये अशुद्ध वाक्य है। बच्चों, यह सर्वश्रेष्ठ है, ये शुद्ध वाक्य है। बच्चों, मुझे उठा नहीं जाता, बच्चों ये अशुद्ध वाक्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, ये शुद्ध है। कुछ बाहर खड़ा है, ये अशुद्ध है। कोई बाहर खड़ा है, ये शुद्ध वाक्य है। बच्चों, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं, अतः वाक्य को बोलते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शोधन कहलाता है। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इनमें से बच्चों कुछ अशुद्धियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धि। बच्चों, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वर्तनी किसको कहते हैं बच्चों? वर्तनी मात्रा को कहते हैं। वर्तनी मात्रा को कहते हैं और अक्षर सही तरीके से लिखना। बच्चों, ऐतिहासिक शब्द था, बहुत बार बच्चे गलत लिखते हैं। ऐतिहासिक शुद्ध शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं आशीर्वाद, तो बच्चे आशीर्वाद को भी गलत लिखते हैं, ये अशुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द क्या है? आशीर्वाद। उसी प्रकार से टीचर जब उज्जवल शब्द लिखने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे इस प्रकार से उज्जवल लिखते हैं, जबकि ये अशुद्ध हैं। उज्जवल शुद्ध शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों, अधिकतर हम जब भी टेस्ट या पेपर चेक करते हैं और बच्चे कवित्री शब्द लिखते हैं, तो वो इस प्रकार से अशुद्ध लिखते हैं, जबकि शुद्ध कवित्री शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों, हमने अभी तक मात्रा से संबंधित यानी वर्तनी से संबंधित अशुद्ध शब्दों के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं शब्द और अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। बच्चों, शब्द और अर्थ प्रयोग की अशुद्धि किस प्रकार से होती है? मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। बच्चों, मैंने वाक्य शुद्ध बोला, यहाँ लिखा क्या हुआ है? मैं उपेक्षा करता हूँ। उपेक्षा शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? मैं अपेक्षा करता हूँ। क्या आएगा? मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम
कर लोगे। आगे देखते हैं बच्चों, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। बच्चों ये लिखा हुआ गलत है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। बच्चों जो ये ग्रह लिखा है इसका मतलब नक्षत्र का काम, जबकि आएगा क्या, गृह कार्य कर लिया। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे बेटा, तुम हमेशा फिजूल खर्ची की बातें करते हो। बच्चों फिजूल खर्ची होता है, पर यहाँ क्या शब्द लिखा गया है, बेफिजूल, मतलब फिजूल के आगे भी बे उपसर्ग लगाया गया है जो कि बिल्कुल टोटली अशुद्ध है, इसको हम शुद्ध शब्द नहीं कहेंगे। शुद्ध क्या है, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, फिजूल माने व्यर्थ की बातें करते हो। बच्चों आगे देखते हैं हम लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों कभी कभी वाक्यों में लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं बोलने में, कैसे, यह दही मीठी है। बच्चों दही मीठा होता है, दही मीठी नहीं होती। आगे देखेंगे हम, आज तुमने अपना नया पोशाक पहना है। तुमने नई पोशाक पहनी है। बच्चों ये शुद्ध वाक्य है, ऊपर वाला वाक्य गलत है। नया शब्द नहीं होता पोशाक के साथ, क्या आएगा, नई पोशाक। इसी प्रकार से कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। बच्चों ये सेंटेंस भी गलत है, क्या आएगा शुद्ध सेंटेंस, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। बच्चों आगे देखिए, उसने मेरा जेब टटोला। बच्चों जेब क्या है, स्त्रीलिंग, तो क्या आ जाएगा, उसने मेरी जेब टटोली। ये बच्चों शुद्ध शब्द है, हमने जाना लिंग के आधार पर बहुत बार हम जो अशुद्धियां करते हैं उनके बारे में। आइए अब हम जानते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। बच्चों बहुत बार बच्चे क्या लिखते हैं, भारत में अनेकों राज्य हैं। अनेकों नहीं होता बेटा, भारत में अनेक राज्य हैं। बच्चों हम मोस्टली क्या गलती करते हैं, वह सब लोग, सब के साथ क्या लगाते हैं, लोग, यहाँ पढ़ते हैं। बच्चों ये अशुद्ध है, वे सब यहाँ पढ़ते हैं, ये शुद्ध आएगा। अभी अभी मैं आपको बताकर हटी हूँ, वह अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन है, वह अनेक बार यहाँ आया है, ये शुद्ध शब्द है। बच्चों मेरी ये सारी पुस्तक फट गई हैं, ये भी अशुद्ध है, कैसे, पुस्तक नहीं आएगा, मेरी ये सारी पुस्तकें फट गई हैं, ये शुद्ध वाक्य आएगा। बच्चों हमने लिंग और वचन शब्द अर्थ के आधार पर जाना, आइए अब हम जानते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। किसके अनुसार करेंगे वाक्य में क्रिया का प्रयोग, लिंग और वचन के अनुसार करेंगे, नहीं तो वाक्य अपने आप में ही अशुद्ध हो जाएगा। देखिए मेरी बहन दिल्ली से वापस आया। बच्चों ये अशुद्ध वाक्य है, पढ़ने में ही हमें पता चल रहा है। शुद्ध वाक्य क्या आएगा, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। बच्चों ये भी अशुद्ध वाक्य है, क्यों, क्योंकि वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। आगे देखिए बच्चों, बेटा
वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। बच्चों ये गलत है, वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया, ये शुद्ध वाक्य है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। बच्चों ये गलत है, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए बच्चों, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों बहुत बार वाक्य में कारक संबंधी प्रयोग भी हम गलत कर जाते हैं। कैसे? भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि हम बहुत बार गलत लिख जाते हैं, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। बच्चों ये गलत आएगा, मैं के साथ ने आएगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। वह रात में छत पर सोता है, ये भी गलत है। बच्चों वह रात को छत पर सोता है, ये शुद्ध वाक्य है। बच्चों आगे देखेंगे हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग कर देते हैं और एक हम अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं अनावश्यक, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों ये संज्ञा पद कौन कैसे प्रयोग करते हैं हम गलत। राजा ने अपनी ताकत के बल पर जीत लिया। बच्चों ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या आएगा? राजा अपने बल पर जीत गया। किसके बल पर जीत गया? अपने बल पर। बल और ताकत का तो मतलब एक ही है बच्चों, इसलिए वो अशुद्ध है। और शुद्ध क्या है? राजा अपने बल पर जीत गया। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। बच्चों प्रातःकाल भी और समय भी एक साथ प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। क्या कहते हैं हम? प्रातःकाल घूमना चाहिए। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। बच्चों अराजकता अपने आप में एक समस्या है, उसके साथ समस्या का प्रयोग करना गलत है। समाज में अराजकता बढ़ रही है। इसी प्रकार से बच्चों हम अनुपयुक्त संज्ञा पदों का भी प्रयोग करते हैं। आइए देखिए कैसे। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? बच्चों उत्पत्ति नहीं होता, यहाँ पर क्या आएगा? खोज या आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये शुद्ध वाक्य है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। बच्चों प्रश्न का उत्तर होता है, समाधान तो समस्या का होता है। तो ये यहाँ पर गलत जो है संज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। सही संज्ञा पद क्या आएगा? प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए बच्चों, हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। हमारे देश के मनुष्य नहीं बच्चों, क्या आएगा? हमारे देश के लोग मेहनती हैं। आगे देखिए बेटा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों हिंदी में कभी कभी स्वरनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग भी प्रचलन में आते हैं, जो कि गलत होते हैं। कैसे? देखिए, मेरे को बाजार जाना है। बच्चों बिल्कुल गलत है, मुझे बाजार जाना है। आगे देखिए, दूध में कौन गिर गया? बच्चों ये भी गलत वाक्य है। दूध में क्या गिर गया? ये सही वाक्य है। मैंने मेरा पाठ पढ़ लिया। बच्चों ये भी बिल्कुल गलत वाक्य है। क्या आएगा? मैंने अपना पाठ पढ़ लिया। ये बच्चों स्वरनाम संबंधी अशुद्धि है। तेरे को क्या चाहिए? बच्चों ये गलत है। तुझे क्या चाहिए? ये होना चाहिए। बच्चों अगला देखिए। बच्चों आगे देखिए, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों विशेषण का प्रयोग विशेष्य, विशेष्य का मतलब संज्ञा व स्वरनाम, के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक
अनियमित व अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग हो जाता है जो कि गलत होता है और हमारे वाक्य को भी अशुद्ध बना देता है। कैसे? देखिए बेटा, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। बच्चों ये गलत है, रहस्य और गुप्त दोनों चीज़ें दे रखी हैं। सही क्या आएगा? आज उसके रहस्य का राज खुला। आगे देखिए, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। बच्चों सबसे और सुंदरतम एक साथ नहीं आता। क्या कहेंगे शुद्ध रूप में? यह सुंदरतम साड़ी है। इसके बाद देखिए, उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। बच्चों ये भी गलत है। उनकी आजकल दयनीय हालत है। बच्चों ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। बच्चों ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आगे देखिए बच्चों, पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई। बच्चों ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि लिखी गई है। क्या आएगा? पुस्तक विद्वत्तापूर्वक लिखी गई। वह बहुत धीरा बोला। बच्चों धीरा नहीं आएगा। क्या आएगा? वह बहुत धीरे बोला। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ थी। हम कुछ और अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। जाता वह बाजार। बच्चों ये पदबंध संबंधी अशुद्धि है। पदों को गलत स्थान पर दिया गया है। क्या आ जाएगा? वह बाजार जाता है। गाय का ताकतवर दूध होता है। बच्चों ये भी अशुद्ध है। गाय का दूध ताकतवर होता है, ये शुद्ध है। धीरे धीरे ध्यान से चलो। बच्चों इस वाक्य में विराम चिन्हों की अशुद्धि दे गई है। धीरे धीरे में इन्होंने शब्द युग्म नहीं लगाया है और बाद में पूर्ण विराम नहीं लगाया है। आगे देखिए, तुम स्टेशन गए थे क्या? बच्चों ये भी अशुद्ध वाक्य है। क्या आएगा? क्या तुम स्टेशन गए थे? इस प्रकार से हमने पाठ 29 वाक्य शोधन पढ़ा और समझा। धन्यवाद।